जुनूबी पंजाब के बासियों के लिए बुरी खबर। मुल्तान के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक, वजारत सेहत ने खबरदार कर दिया। वालिदैन बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं, वजारत सेहत की हिदायत। जनूबी पंजाब में नमूनिया के कारीवार, बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में मजीद दो बच्चे जान की बाजी हार गए। रवा बरस हलाकतों की तादाद 81 हो गई, मजीद 8 बच्चे रिपोर्ट। मुल्तान में भी 10 बच्चे रिपोर्ट। मौसमी तब्दीली या खाने पीने में बेख्तियाती, बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में गेस्टों के 63 मरीज रिपोर्ट। मुतासरीन में 20 खवातीन और 10 बच्चे भी शामिल। महकमे सोशल वेलफेयर मुस्तहक मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम करने में नाकाम, एक साल गुजर गया, पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का कयाम मुमकिन न हो सका। कैंसर की महंगी अद्वियात और इंजेक्शन मुस्तहक मरीजों को फराहम न हो सके, मरीजों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी ताखीर का शिकार। रमजान में भी शहरियों को रिलीफ न मिल सका, मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आए शहरी ख्वार कहते हैं कि आम मार्केट में भी वही रेट है जो यहां है, महंगाई से अच्छी इफ्तारी करना भी ख्वाब बन गया। आटा चीनी घी का बहरान, शहरियों का इम्तिहान, बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर स्टॉक खत्म। 500 सार्फीन के लिए आटे के सिर्फ 100 थैले, यूटिलिटी स्टोर के बाहर के तारे, बदनज़मी और धक्कम पेल से सार्फीन ख्वार। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में महंगाई ने शहरियों को परेशान कर दिया। लहसुन अदरक 600, भिंडी 400 रुपए किलो, हरी मिर्च 320, प्याज 200, टमाटर 120 रुपए किलो करो। नगबान रमजान पैकेज के तहत राशन की तकसीम, ईसा खेल के शहरियों ने तहफात का इजहार कर दिया। मनपसंद अफराद को राशन देने का इल्जाम, कहा दिन भर इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। मियांवाली में चेयरमैन मॉनिटरिंग कमेटी साबिक एमपीए मलिक फरोज जोया और डिप्टी कमिश्नर सजाद अहमद खान जेर सदारत इजलास, नगबान रमजान पैकेज की तकसीम और सुथरा पंजाब के कामों में मजीद तेजी लाने की हिदायत। पंजाब में मुफ्त बाइक्स की तकसीम, लागत 2 अरब रुपए तक पहुंच गई। हुकूमत पंजाब ने 55 करोड़ रुपए की मजीद ग्रांट मंजूर कर दी, 10 करोड़ रुपए सिर्फ तशहीर पर खर्च किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, अब्दुलरहमान कांजू की जीत का नोटिफिकेशन जारी। अब्दुलरहमान कांजू दोबारा गिनती में फातिह करार पाए। NA 154 लोधरा से राणा फराज नून की जीत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली में खवातीन की मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की अरकान कमल नुमान और साइमा जाहिद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपोजिशन और डिप्टी अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रुकन सुबाई असेंबली अहमद खान अपोजिशन और मोइन रियाज कुरैशी को डिप्टी अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया गया। अहमद खान पीपी मियावाली और मोइन रियाज कुरैशी मुल्तान से रुकन सुबाई असेंबली मुंतखब हुए। सोशल वेलफेयर मुल्तान के जेर अहतमाम पावर व्हील चेयर यूनिट का कयाम, फंड्स की कमी के बायस तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार, ताहाल इमारत का 60% काम ही मुकम्मल हो सका। टीबी सहूलियात फराहमी के हवाले से अहम इकदाम, तहसील अस्पताल अलीपुर में ट्रामा सेंटर की तामीर जारी। MS के मुताबिक ट्रामा सेंटर जल्द फाल हो जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में गणेशवा और तुलेरी नहर में 6 माह से पानी बंद, किसानों को परेशानी का सामना, फसलों को गंदा पानी लगाने पर मजबूर, दोनों नहरें गंदगी से अट गईं। जिला मुल्तान में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, मुख्तलिफ इलाकों से 14 बिजली चोर धर लिए गए। नादहिंदगान की तरफ से मजाहमत का सामना, FIA का हॉस्टल पर छापा, बिजली चोरी पकड़ी।
मुल्तान के पार्क्स में पोसीदा सिवरेज पाइपलाइन का मामला, डिप्टी डायरेक्टर पीएचए ने वासा को सिवरेज लाइन बारे खत लिख दिया। यूसुफ रजा गिलानी पार्क और लेडीज पार्क में सिवरेज मसाइल हल करने की हिदायत। मुल्तान की अहम शाहराहों पर वाके स्कूल की लिस्ट तलब, जिला भर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को हिदायत जारी। छुट्टी के औकात कार में 15 मिनट का वक्फा रखा जाएगा। पहली से आठवीं जमात तक के इम्तिहानात नतीजों का ऐलान 30 मार्च को किया जाएगा। डीपीआई पंजाब की जनूबी पंजाब भर के स्कूल्स को हिदायत। गर्ल्स गाइड बॉय स्काउट का होना लाजमी करा, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डाटा मुहैया करने के अहकाम। मुल्तान जनूबी पंजाब भर के स्कूल्स को मुरासला जारी। स्कूलों की सेफ्टी यकीनी बनाने का अज़्म, जनूबी पंजाब के निजी और सरकारी स्कूल्स में गेट के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के अहकाम जारी। असातिज़ा का ड्यूटी रोस्टर भी अपडेट करने की हिदायत। मुल्तान में 10 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। डीसी मुल्तान रिजवान कदीर ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 4000 से ज्यादा मोबाइल टीमें तश्कील दी गई। फनी तरबियत के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए अच्छी खबर, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड्स ने तरबियती कोर्सेज का आगाज कर दिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 8 शहरों में ट्रेनिंग होगी। पार्कों में सफाई की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, पीएचए मुल्तान ने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत कमर कस ली। सफाई बारे रिपोर्ट करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए जनूबी पंजाब में शजरकारी, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। गर्ल्स ट्रेनिंग टैबटा इंस्टीट्यूट बहावलपुर में पौधे लगाए गए। उत्शरीफ में डिविजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद जमान वटू ने पौधा लगाया। खानपुर और लुडन में भी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह। टीबी के आलमी दिन के हवाले से मियांवाली में वॉक, सीईओ हेल्थ डॉक्टर मियां काशिफ अली और दीगर की शिरकत। अलामात जाहिर होने पर फौरी डॉक्टर से रजू करने की हिदायत। जमीन पर पानी के बगैर जिंदगी का तस्वर नामुमकिन, मुल्तान में पानी के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक, एमडी वासा चौधरी मोहम्मद दानिश और डायरेक्टर इंजीनियरिंग की शिरकत। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का मुल्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन, घर से भागे और भिखारी 10 बच्चे हिफाजती तहवील में लिए गए। बच्चों को टी चौक शालीमार, नॉर्दर्न बाईपास, सवान चौक, बहादुरपुर और सब्जी मंडी चौक से हिफाजती तहवील में लिया गया। और 23 मार्च योम करारदार पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीबा, कायद आजम अकेडमी मुल्तान में मुशायरे का अहतमाम। शुरा ने कलाम पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। कमिश्नर बहावलपुर नादर छट्टा ने नुमाइश भगवान रोशनी का सफर, पाकिस्तान की कहानी, तस्वीर और कुतुब की जुबानी का इफ्तिताह किया।